जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव की नंद की। कन्हैया के बाबा नंद बाबा कंस को कर चुकाने के लिए मथुरा गए और कंस की भेजी वही उनकी धर्म की बहन पूतना। ब्रज में पहुंची रूप बदल के, भेष बदल के और अपने स्तन से कालकूट विष लगा के। और मैया यशोदा ते कही मैं तेरी बहन लगू, जब मैंने सुनी कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो तो मुंह पे रहो नहीं गयो, मैं तेरे लाला के दर्शन करवे के लिए आई। भागवतकार कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, इतनी सुंदर बन के गई कि जो गोपियां और जो गोप उसे देखे उनको एक ही बात लगी कि जैसे स्वर्ग की देवी लक्ष्मी सीधे अपने पति से मिलने के लिए ब्रज में पधारी, ऐसा लगे जैसे स्वयं लक्ष्मी जी आई है। इतनी सुंदर। काऊ की हिम्मत नहीं भाई, रोक भी गई, चलती चली गई सीधे। मैया यशोदा ते मिली, मैया यशोदा ने कही मैं तेरे लिए भोजन बनाऊं, तू मेरे लाला खिला। पूतना लाला को खिलावे के लिए गई और जब लाला के समीप पहुंची तो बड़ा सुंदर भाव है कि कन्हैया ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, इसके भाव हम कई बार आपको बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। हम सभी को एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बेवजह किसी को देखना नहीं चाहिए, बेवजह। क्योंकि किसी को देखोगे क्या पता कोई सुंदर लग जाए, कोई सुंदर लग जाए फिर उसे बात करोगे तो मित्रता तो कर ही लोगे, और फिर मित्रता हो गई तो रहो बस उसी में बिजी, फिर भजन छूट जाएगा, भजन पीछे रह जाएगा। इसलिए कन्हैया के दुनेन वैसे भी बहुत चंचल है, जो एक बार जिनको ये देख लेते हैं वो इनका दीवाना बने बगैर रहता ही नहीं है। और कन्हैया सोच रहे हैं अगर हम इनको देखें और फिर इनसे प्रीत हो जाए और प्रीत के बाद ये मारनी पड़े तो फिर तो ये मित्रता पे आघात होगा, ये तो ठीक नहीं। आजकल तो लोग ऐसे ही करते हैं, पहले अपना बनाते हैं फिर मारते हैं, भूल जाते हैं कि विश्वासघात भी एक महापाप है। बहुत आसान है ना दूसरों को उपदेश देना, अपने लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसको अपना कहो फिर उसे कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, लोग करते हैं क्योंकि लोग अपने लिए जीते हैं, अपने के ही लिए जीते, सिर्फ दुखदाई है। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि इसे मारना है, मारने से पहले से प्रीत होना गलत है। अगर इसको प्रीत हमसे हो जाए फिर हमें से मारे, ये बात ठीक नहीं। जो प्रीत करे उसे मारना नहीं चाहिए, उसे तो फिर उसका साथ देना चाहिए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर
_G फॉलो करें।